नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार लंबे समय तक साधना उपासना मंत्र जाप करने के बाद भी बहुत सारे साधकों की यह शिकायत रहती है कि हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हुई है, ना तो हमें कोई स्वास्थ्य लाभ हुआ और ना ही आर्थिक रूप से हमारे जीवन में कोई बदलाव आया। साथियों, दीर्घकालीन समय तक साधना करने के उपरांत भी यदि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा तो इसमें कुछ मूलभूत कारण हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या तो साधना के पूरे प्रोसेस को, मंत्र के पूरे प्रोसेस को आप नहीं जानते, उसको फॉलो नहीं करते, या अन्य और भी 3 से 4 बड़े कारण हैं जिनके होने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि का तत्काल और संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। आज इसी विषय में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मंत्र वास्तव में ही काम करते हैं? जो हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक बीज मंत्रों का, तांत्रिक या सात्विक मंत्रों का प्रयोग बताया गया है, क्या उनसे वास्तव में ही हमारे जीवन में बदलाव आने की कम ज़्यादा संभावना है? और यदि है तो हमारे जीवन में उनसे परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? साथियों, जहाँ तक मंत्र के काम करने या न करने का प्रश्न है, हमारे धर्मशास्त्रों पर शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है और हजारों लाखों साधकों का यह अनुभव है कि नियमित रूप से एक मंत्र पर काम करने से, साधना करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक और शारीरिक तमाम तरह से बदलाव आना निश्चित है। व्यक्ति की संकल्प शक्ति के अनुसार उसके सभी कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब मिस्टेक कहाँ होती है? आखिरकार अपनी साधना में मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी हम कहाँ पर मार खा जाते हैं कि हमको तत्काल कोई बदलाव दिखाई नहीं देता? पहली बात तो यह है कि हम लोग मंत्र का संपूर्ण प्रोसेस के जानकारी के बिना ही साधना में लग जाते हैं। आसन कैसा होना चाहिए, माला कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में मुख करके साधना करनी चाहिए, कौन कौन से त्योहारों पर बहुत ज़्यादा साधना करनी चाहिए, उस मंत्र का हवन कितने दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए जिस मंत्र का आप जाप करते हैं। साथियों, यदि आप वास्तव में साधक हैं और मंत्र में भरोसा करते हैं तो अपने गुरु से जानकर मंत्र के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना अति आवश्यक है। नंबर 2, यदि सालों साल नियमित साधना करने के उपरांत भी आपकी परिस्थिति वहीं की वहीं खड़ी हुई है, परिवार संकट में है, टेंशन में है, तनाव में है, ऊपर को जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो आपके घर में पितृ बाधा हो सकती है। हो सकता है आपका कोई बुजुर्ग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो, कोई युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसकी जो एक संपूर्ण विधि है वह ना हुई हो और पितृ पिशाच रूप में आपको परेशान कर सकता हो। घर में पितृ बाधा के होने से सैकड़ों प्रकार के पूजा पाठ निष्फल हो जाते हैं। नंबर 2, प्रेत बाधा का होना। आपसे कोई चिढ़कर या किसी अन्य कारण से बड़ा भारी तंत्र मंत्र आपके खिलाफ प्रयोग कर दे तो भी व्यक्ति का शरीर गिरा हुआ रहता है। व्यक्ति के आत्मा में, उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रहती और समस्त प्रकार का पूजा पाठ, साधना उपासना करने के उपरांत भी तत्काल व्यक्ति की परिस्थिति है वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो प्रेत दोष यदि आपके परिवार में, घर में या स्वयं उससे आप प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से यह भी एक आपकी समस्या का बड़ा कारण हो सकता है। इसकी जांच करें और उपाय करें। नंबर 3, देव दोष का लग जाना। गाय, ब्राह्मण, तपस्वी और देवता सब एक ही श्रेणी में आते हैं। यदि किसी देवता का अपमान हो जाए, किसी देवता की तिथि में या किसी बड़े त्यौहार में हमसे कोई अपराध हो जाए,
मदिरापान है, मांस भक्षण है, वैश्यावृत्ति है या अन्य कोई भी अपराध है, यदि किसी देवता की तिथि में व्यक्ति से कोई अपराध बन जाए तो उसको उसका बहुत बुरा परिणाम डेफिनेटली भुगतना ही पड़ता है। तो गाय का अपराध करने पर, देवता का अपराध करने पर, या किसी ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध व्यक्ति जिसकी ईश्वर में आस्था हो उसका अपमान करने पर भी व्यक्ति कई कई जन्मों तक दुख पाता है, उसके आर्थिक और शारीरिक जो दुर्बलता है वह दूर नहीं होती। साधना संपूर्ण आस्था से और संपूर्ण जानकारी के साथ एक निश्चित प्रोसेस के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग सुबह शाम में करनी चाहिए। साथियों, तीन चार बातें मैंने आपको बताई, यदि आपको आपकी साधना का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है इनमें से कोई ना कोई बात जरूर निकलेगी। निश्चित ही व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम मिलता है। यदि आप साधना करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, देर सवेर आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तत्काल आप परिवर्तन चाहते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं मैंने आपको बताई, इन पर काम अवश्य करें। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।